सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टोयोटा। आप लोगों ने सुना भाई रिलायबिलिटी के लिए टोयोटा को कौन नहीं जानता, पर आज तक टोयोटा की रिलायबिलिटी के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर गाड़ी कौन सी थी? फॉर्चूनर, या फिर आप लोग इनोवा क्रिस्टा को भी कह सकते हैं। बट आज जो हम गाड़ी देखने वाले हैं ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, यह है टोयोटा लैंड क्रूजर। काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा इस गाड़ी को ऑन करना, काफ़ी लोग चाहते होंगे कि यार आज नहीं तो कल कभी तो हम इस गाड़ी को परचेज कर पाएं। और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये पुरानी लैंड क्रूजर को कस्टमाइज करके न्यू वाली के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, मतलब कि ये काफ़ी पुराना वेरियंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे 2012-13-14 होगा, उसको ये कन्वर्ट करके पूरी की पूरी लाइट्स हो, बम्पर हो, कलर हो, पेंट जॉब हो, जो भी कुछ है सब कुछ चेंज करके इसको आज वाली जो जनरेशन आने वाली है उसके अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है। पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन बनाई जा रही है। तो ये है टोयोटा लैंड क्रूजर पराडो। तो इसके अंदर आज अपन देखने वाले हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ होने वाली है। मैंने आपको इसकी एक बिफोर वाली वीडियो दिखाई होगी जिसमें मैंने शायद एक आधी फोटो वगैरह आपको इसकी दिखा दी होगी, गाड़ी ऐसी लगती देखने में ऐसी नहीं है। और आज आप लोगों ने थंबनेल में भी एक बिफोर वाली देखी होगी और एक आफ्टर वाली देखी होगी। लिटरली मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सोचा होगा भाई ये क्या थंबनेल लगाया, कहीं क्लिक बिट वगैरह तो नहीं है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन चीज़ दिखा दूँ, जो चीज़ होती है वही आपके भाई थंबनेल में लगाता है। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, अपन बात करते हैं सीधा मुद्दे की। जैसे कि अभी फ्रंट का आप लोग इसका बम्पर देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि भाई इस गाड़ी की हाइट कितनी ज़्यादा है। यार मतलब मेरी अच्छी खासी हाइट है, 5'8" के आसपास होगी और मेरी भी मतलब चेस्ट के बराबर तक आ रही है, फॉर्चूनर से भी कहीं ज़्यादा ऊँची है। तो जैसे कि इसके अंदर फ्रंट के अंदर आप लाइट देखो टोटली चेंज करी हुई है, पहले तो नॉर्मल वाली जो पुराने वेरियंट में थी येलो हैलोजन वाली थी, बट अब भाई देख रहे हो पूरी बड़ी एकदम ब्रांड न्यू लाइट है। अभी जो आप क्रोम वगैरह देख रहे हो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा होगा, जैसे कि अभी आप इधर की साइड देख रहे हो पेंट स्कीम चल रही है, पूरा प्रॉपर भाई पेंट वगैरह कर रहे हैं, अच्छे से पूरा साफ कर रहे हैं, जिससे कि भाई देख रहे हो एकदम प्रॉपर वाला काम होता है। इस गाड़ी को बनाने में कम से कम भी नहीं तो आराम से महीने के आसपास का टाइम लगा, और एक महीने का अगर इसके ऊपर टाइम लगा तो फिर कुछ खतरनाक ही चीज़ निकल के सामने आएगी। एक महीने से भी ज़्यादा, देखो अंकल बता रहे हैं एक महीने से भी ज़्यादा लगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी बिफोर वाली वीडियो थी वो मैं एक महीने के आसपास पहले ही शूट करके गया हुआ था। तो फ्रंट के अंदर इसमें एकदम ब्रांड न्यू वाली देख रहे हो ग्रिल लगा रखी है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आती है। जो मेन अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के अंदर लग रही है, जो मुझे गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि अपन लोग पहले गेम खेला करते थे सैन एंड्रियास वगैरह, उनके अंदर जब मॉड कराते थे तो ये नीचे फ्रंट की स्किड प्लेट लगाया करते थे, तो वो चीज़ रियल लाइफ में देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा मैसिव सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी लगती है। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, ये पूरा क्रोम ट्रीटमेंट है, ये ब्लैक कलर की पियानो फिनिश है, एंड सामने की साइड में पूरी पतली वाली यहाँ पे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाएगी। और सामने से देखने में लग रहा है कि हाँ भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सी लग रही है, जिस बात में दो राय नहीं है। और ये फ्रंट के आपके पार्किंग सेंसर्स भी हैं, जो ये अभी शायद से थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसको बाद में प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे जब गाड़ी को हैंड ओवर करा जाएगा। अभी भी ये गाड़ी कंप्लीट नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हो कंप्लीट हो गई तो अभी इसमें और 2-4 दिन का टाइम है कंप्लीट होने में। बट आज इसके अंदर इतना काम हो गया था कि मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं कि किस तरीके से काम होता है तो शायद आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप भी ऐसी गाड़ी बनवाना चाहते हो तो डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही होंगी, आप कॉल करके पता कर लेना। जब मैं इसके ऊपर लास्ट टाइम वीडियो शूट करने आया था जब ये पूरी रॉ थी ना, तो ये इसके हैंडल वगैरह भी टूट रहे थे, निकल रहे थे, अब तो पूरे चेंज कर दिए, दूसरे लगा दिए। ओवरमेम्स वगैरह भी इसके अंदर प्रॉपरली चेंज करे जाने वाले हैं। पहले ये गाड़ी का जो कलर था वो था ग्रे, अब इस गाड़ी का कलर कर दिया व्हाइट, मतलब आप देख रहे हो ग्रे को व्हाइट कलर से कन्वर्ट कर दिया है। इंटीरियर देखोगे तो भाई कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये पूरी पेंट जॉब अप्लाई करी हुई है, पूरा मतलब इसका थोड़ा डिफरेंट कलर था, ये पूरा मतलब पेंट है, यहाँ पे आपको पेंट मिलेगा, ये सारा पेंट है। ये पेंट भी ना वैसा वाला होता है, मतलब कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, जिस पेंट को अगर टच करो थोड़ा सॉफ्ट जैसी फील नहीं आती, कुछ उस टाइप का पेंट होता है। और सेंटर कॉन्सोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई पहले जो थी ये वुडन फिनिश का डिज़ाइन नहीं था, मतलब नॉर्मल साइज था, पुरानी वीडियो आप देख लेना जैसा भी था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट अब इसको पूरा जो है डिप पेंट करके वुडन में चेंज कर दिया है, जो बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रीन लग जाती है ना बड़ी सी टेस्ला वाली, जब इतना कुछ हो गया तो एक टेस्ला वाली स्क्रीन और लग जाती है ना मस्त बड़ी वाली, तो भाई अंत लेवल की चीज बन जाती है। क्या पता नीचे की साइड यहाँ पे कुछ लगे भी, अभी तो देखो भाई पेंडिंग है, हो सकता है क्या पता कुछ लगे, मैं तो अभी गैस ही मार रहा हूँ। सनरूफ वगैरह तो इसके अंदर देखो पहले से ही थी, जो चीज ठीक है यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर भाई सीट कवर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे कि पीछे की साइड में आप देख रहे हो सामान वगैरह अभी फैला हुआ है देखो, क्योंकि अभी गाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है। पीछे की तरफ से आपकी जो सीट के एडजस्टमेंट है वहां पे उसके बटन वगैरह दे रखे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊँ, क्योंकि अभी तो गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है, ऑन भी नहीं होगी, मैं आपको कैसे दिखा पाऊंगा वो सारी चीजें। तो इसके अंदर एक बड़ा ही ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम लगा है, मैं म्यूजिक सिस्टम का भी पता लगाता हूँ कौन सा लगा है, क्या स्पेसिफिकेशंस है। BRK की इसके ऊपर पूरी आपको डैम्पिंग देखने के लिए मिलेगी, जहाँ तक उम्मीद है डुअल साइड डैम्प होगा, भाई तो उतर भी नहीं रही है, तो पता नहीं डैम्पिंग कैसी चिपक जाती है, उतरती नहीं है, डुअल साइड ही डैम्प है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। एंड पीछे की साइड में भी आपको इसके ऊपर देखो डुअल साइड डैम्प देखने के लिए मिल जाने वाला है। और ओवरऑल ये जो आप देख रहे हो ये अपने पावर विंडोज के बटन है, इसके अंदर सारी ऑटोमेटिक पावर विंडो आती हैं। ओह नाइस, चल रही है, तो वन टच से देखो नीचे भी आ गई, ये मुझे अच्छा लगा, ये पूरी वन टच से ऊपर भी आ गई, बहुत फास्ट है।
तो यहाँ पे आपकी जो मतलब सीट के कंट्रोलर्स हैं, नीचे की तरफ भी पूरा पेंट जॉब अप्लाई कर रखी है, और सामने की साइड में तो कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी ऐसी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो देख के ये मत सोचने कि अगर आपको हाई एंड काम ही करवाना है तो ही आप कॉन्टैक्ट करें, आपको जो भी करवाना है आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल बेसिक काम भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए एक डेढ़ महीने का टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। पीछे की तरफ भाई गाड़ी के अंदर इतना आलिशान काम हो रहा है, सब कुछ एकदम मतलब इतना टाइम देके, एक डेढ़ महीने का टाइम देके काम हो रहा है, और इतनी लंबी गाड़ी है तो इसके अंदर जब चीज़ें इंस्टॉल करने की बात आती है तो वो चीज़ें भी भाई ब्रांडेड होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके अंदर दिखाया था, म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा स्पीकर के ऊपर येलो कलर का डिज़ाइन है, भी दिखा भी दूंगा। तो इसके अंदर C1650 के कंपोनेंट का सेट डला है आगे पीछे की तरफ, 6.5 इंच के इसके स्पीकर है, 165mm की वेट था, जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कंपोनेंट है। तो यही एक सेट इसके अंदर आगे लगा है और एक सेट इसके अंदर पीछे में लगेगा, देखो ये लगा हुआ सामने की साइड में स्पीकर। साउंड आउटपुट वगैरह जब जैसे रेडी होगा, ऑन होगा तब तो सुना दूंगा। भाई साउंड ऑन है अभी, करना ऑन अभी, अभी टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, है ना। हाँ तो अभी साउंड वगैरह ऑन नहीं है गाइस, ऑन होगा तो मैं दिखा दूंगा। दूसरा इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री अराउंडिंग व्यू कैमरा लगा हुआ है, ये वाली ब्रांड का है अपना भाई, कैमरा वगैरह सारे मैं आपको बॉक्स वगैरह दिखा दे रहा हूँ। सुपर HD 1080 पिक्सल वाला कैमरा है जिसके अंदर नाइट आई विजन भी मिल जाती है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है वही चीज़ें जो ऊपर की साइड में लिखी हुई है कि मतलब आपको नाइट आई विजन मिल जाता है स्टार लेवल का, 24 आवर तक का रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है ये, तो ठीक है ये भी अच्छी चीज़ है। एंड नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर काफ़ी बढ़िया ब्रांड की, भाई स्कॉच ब्रांड बताई थी मेरे को भैया ने, उसकी एक एम्पलीफायर की किट इंस्टॉल करी हुई है जिसके अंदर आपका पूरा एम्प वगैरह चलता है इस गाड़ी के अंदर। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। एक नेक्स्ट चीज़ बहुत तगड़ी लगी है, ये जो आप देख रहे हो ये है इसके अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन जो है अपनी, कितने इंची की है भैया, 10 इंची की। इसके अंदर दो लगेंगी, एक ये रखी और एक आपकी यहाँ पे रखी हुई है, ये दोनों लगेंगी भाई पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए, इन वाली सीट्स के पीछे लगाएंगे जो मतलब फ्रंट की जो सीट्स हैं उनके पीछे। एंड अगर आप लोग और म्यूजिक सिस्टम में ही बात करते हो तो म्यूजिक में इसके अंदर दो लगने वाले हैं, अंडर सीट वूफर, जो भी अंडर सीट स्पीकर वूफर जो भी आप लोग उनको बोलना चाहो वो चीज़ लगने वाली है। एम्पलीफायर इसके अंदर एक 4 चैनल लगेगा, अब ये वाला ही लगेगा या दूसरा लगेगा मैं भी कह नहीं सकता हूँ, एक 4 चैनल बढ़िया सा ब्रांडेड एम्पलीफायर लगने वाला है, वो चीज़ मैं आपको जब लगेगी तब दिखा दूंगा। और रियर का जो डिज़ाइन है इस गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्त है, आप देख रहे हो इसके अंदर पहले वाली जो लाइट्स थी वो तो मतलब बड़ी ही अलग से ही डिजाइन की थी, बट नेक्स्ट जनरेशन की जो लाइट है भाई क्या लग रही है भाई, एक नंबर गाइस, ये थोड़ी गंदी हो रही है। बाकी अभी तो गाड़ी वॉश वगैरह होगी तब आपको दिख जाएगा। तो भाई ये इसका मिरर का क्या हिसाब किताब रहता है, लॉक कैसे होगा ये, अच्छा अपने आप लग जाता है दबाने पे, अच्छा डिग्गी नहीं खुलेगी, हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि अगर लॉक कर दे तो इसका जो अंदर का इंटीरियर का जो डोर हैंडल है चलो उनसे तो खोल लेंगे, यहाँ तो डोर हैंडल ही नहीं है तो इस वजह से भी इसको लॉक नहीं करते हैं। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि भाई इसका जो मिरर है ना ये भी हाइड्रोलिकली मतलब ऊपर खुल जाता है, जैसे आज की डेट में थार में नहीं खुलता सेम वैसी तरीके से। बाकी जो इसका फ्रंट के अंदर बंपर है मतलब सॉरी फ्रंट का जो बोनट है इसके अंदर भी पूरा सेम यही वाला प्रोसेस है, ये पूरा ऊपर चला जाता है हाइड्रोलिकली। तो भाई अब आप देखो ये क्या गजब की चीज़ बना रहे हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ आप लोगों को इस गाड़ी के ऊपर 2 से 3 वीडियो जरूर दिखाऊंगा, मगर ये है आपको मजे आ जाएंगे गाड़ी की वीडियो देख के। और अगर मजे आ जाए ऐसी मतलब एक्सक्लूसिव वाली वीडियो आपको अपने चैनल पे देखने के लिए मिले प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर से करना, अगर वीडियो के अंदर मजा आता है तो जरूर करना ठीक है। तो फिलहाल आगे अगर कुछ काम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही।